गाइस मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा चुके होंगे ताकि आप लोगों को रेगुलर हाइलाइट्स वीडियो मिल सके। शैडो को डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अभी भी आप देखें यूडॉक के खिलाड़ी थोड़ा बहुत सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब ये जो अगला सर्कल है पूरी तरीके से मिलिट्री बेस पे जाता हुआ आप देखें ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स कितना ज्यादा फायदा अपने लिए वो उठा सकते हैं। देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को तो मिला ही मिला, बट वहीं पे आई थिंक टीएसएम को भी फायदा मिला, बट यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है। शैडो के यहाँ पे फंकला जाता है, जोनाथन रिटेलिएशन करना चाहते हैं और पिछले कुछ समय जो नेड की क्षमता और बड़ी है जोनाथन की, आई मीन जिस एक्यूरेसी के साथ वो नेड करते हैं वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नेड किया जरूर, थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज मिलेगा अपोनेंट को, बट वो नॉक नहीं कर पाए। ज़ीगॉट बहुत करीब यहाँ पे 420 ओपी के आ जरूर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं एक फ्लैंक देखने को मिलता है, बट जोनाथन को स्पॉट करा गया, शॉट करने की कोशिश करी गई, ज़ीगॉट को भी स्पॉट करा गया और दोनों प्लेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे लेना पड़ा। टीम गॉड लाइक काफी ज्यादा मुश्किलों में आपको फंसते हुए दिखाई देगी, ज़ीगॉट सामने मौजूद, उन पर डैमेज दिया गया, बट एक और ग्रेनेड वहां पे गया, शायद ज़ीगॉट डाउन हो सकते थे, बट नहीं, जोनाथन वो जरूर हिटमैन के द्वारा डाउन किए गए। 420 की बात करें वो भी डाउन के, हेक्टर के ऊपर एक ग्रेनेड आया लेब्रॉन का, वो भी डाउन किए गए। जोनाथन सामने नॉक पड़े हुए, बट रैंडम शॉट हिटमैन का जाता हुआ स्मोक के अंदर से शैडोज डाउन किए गए। यहाँ पे ज़ीगॉट सामने मौजूद है और हम बात कर रहे थे बाइजन की, हमने बात करी कि इस अपडेट में बाइजन आप चला सकते हैं, बट फिलहाल के लिए उसका इस्तेमाल उतना कुछ खास बेहतर हो नहीं पाया, बट ज़ीगॉट उनके पास एक खिलाड़ी है सामने मौजूद रहेंगे K47, कोशिश उन्होंने की जरूर है, बट डैमेज K47 बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले चुके हैं। जी हाँ, ज़ीगॉट अगेन ट्राइंग टू बी द सेवियर ऑफ टीम गॉड लाइक, आगे बढ़ते हुए रीलोड उनको करना पड़ेगा, दोनों वेपन्स के अंदर गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब ज़ीगॉट एक नीड को पिन आउट करते हुए आवाज तो यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि K47 को पोजीशन उनको पता थी तो ऊपर वो चले गए, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बट ज़ीगॉट क्या यहाँ पे रश करना वो चाहते हैं क्योंकि टीपी पे एडवांटेज अब जरूर K47 के पास रहेगा। नेट से जरूर यहाँ पे पैपर करना चाहेंगे, वही जो फाइट है अभी भी चलती हुई रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी दोनों ही टीमों की तरफ से कहीं ना कहीं, एंड देखते हैं कितनी जल्दी ये फाइट को समाप्त किया जाता है। देखिए गॉडलाइक ने अपने दोनों खिलाड़ियों को तो बचा लिया, बट वहीं पे अगर एफएस की बात करी जाए वो अपने खिलाड़ियों को नहीं बचा पा रहे हैं। 420 वो भी नॉक पड़े हुए, क्लच वो भी नॉक पड़े हुए, हेक्टर खत्म हो गए, अक्षत की बात करी जाए एडी को उन्होंने डाउन किया, बट अक्षत खुद भी डाउन हो जाएंगे नेक्सस के द्वारा और अक्षत को भी यहाँ पे फिनिश किया पिछले मैच के विजेता। इस मैच में थोड़ी सी चीजें उनके लिए खराब हुई, K47 अकेले फंस गए। K47 एंड उनकी टीम की बात करें उन्होंने भी अपने दोनों नॉक खिलाड़ियों को रिवाइव कर लिया बड़े आसानी से, बट नियो की बात करी जाए ज़ीगॉट का साथ देना उन्होंने ज्यादा सही समझा। K47 मोस्ट प्रोबेबली फंस चुके हैं, एक बढ़िया मॉली आई जरूर है, यूएमपी का इस्तेमाल किया जाएगा ज़ीगॉट के द्वारा, वो जो दूसरे खिलाड़ी थे K47 खत्म और सबसे पहली टीम ई स्पोर्ट्स वाला इस लॉबी से बाहर। देखिए 400 से ज्यादा का डैमेज ज़ीगॉट अकेले ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब बार बार वो नॉक निकाल रहे हैं, भले ही इतने ज्यादा फिनिशेज उनको मिले नहीं है, एक ही फिनिश यहाँ पे उनके पास देखने को मिलता है, बट जोनाथन वापस रिवाइवल हो चुका है, नेड यहाँ पे करते नजर आएंगे, ये नेड कितना डैमेज देगा देखने वाली बात रहती है, बट शैडो को यहाँ पे नॉक करा जाता है, गाड़ी में यहाँ पे प्लेस आ चुके हैं और एक एक करके पूरी की पूरी एफएस की टीम को यहाँ पे खत्म करा जाएगा। एक समय पे लग रहा था कि एफएस के पास एडवांटेज है, बट गॉडलाइक को ये बैटल आसानी से मिल जाएगी इन द एंड। मुझे जहां तक उम्मीद है वो K47 का जो फ्लैंक था वो काफी ज्यादा खराब साबित हुआ टीम एफएस के लिए, बट वहीं पे अगर विज़गॉट की बात करें उन्होंने मौके पे चौका मारा, गॉडलाइक का एक खिलाड़ी जो नॉक पड़ा हुआ था उसको पूरी तरीके से फिनिश किया गया, विज़गॉट के हाथों में एक फिनिश आया है और टीम गॉडलाइक वर्सेज ओजी की जो पिछली मैच में भिड़न थी वो अभी भी यहाँ पे चलती हुई। ऐश क्या वो व्हीकल चढ़ा सकते थे, थोड़ा सा लेट हो गए वो निकल गए, थोड़ा सा फ्लैंक एंगल लेने की वो जरूर कोशिश करेंगे, बट एक ओपिनियो के द्वारा वो भी यहाँ पे डाउन हो गए, एक बढ़िया मॉली आया जरूर डैमेज दिया जाएगा, ट्रिगर यहाँ पे डाउन किए गए नियो के द्वारा, गॉड लाइक इस वक्त डोमिनेशन पे जाते हुए, नियो का एक और बढ़िया स्प्रे, विज़गॉट सामने मौजूद है, डाउन किए जा सकते थे, बट आप देखें एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, ओजी क्या यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। व्हाट जस्ट हैपेंड, गॉड लाइक जोनाथन की तरफ से एक आईक्यू गेम प्ले, गाड़ी में बैठ गए थे स्मोक के अंदर, पता नहीं चला ओजी के प्लेयर्स को, एक एक करके खत्म करा जाएगा, एक 3v4 सिचुएशन, गॉड लाइक ये फाइट जीतता हुआ और जोनाथन नाउ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग।